सोनीपत के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में एएनएम की परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। कॉलेज के कर्मचारी को व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। खानपुर के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में 20 अप्रैल से एएनएम और जीएनएम की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें 400 से भी ज्यादा स्टूडेंट परीक्षाएं दे रहे हैं। पिछले दो दिनों से कॉलेज का चपरासी अमित एग्जाम सेंटर से व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक कर रहा था, लेकिन आज अमित सिक्योरिटी गार्ड के नज़रों में आ गया और उसने कॉलेज प्रशासन को इसकी सूचना दी। कॉलेज के डायरेक्टर ने अमित को पुलिस के हवाले कर दिया है। एक डायरेक्टर ऑफिस से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि सुधीर गया, मैं फोन कुछ देखने लग रहा था, मैंने कहा कि सुधीर फोन देखा तो उसने फोन छिपाया। मैंने उसका फोन पकड़ा, देखा कि आज का पेपर है, मतलब पेपर था, उसमें डेट नहीं देखी मैंने, तो उसका फोन और सुधीर को दोनों सिक्योरिटी अफसर को सौंप दिया। सुधीर को नहीं या सोर्स पर पी एन है। पेपर ऐसा है कि लीकेज, मैं कह रहा हूँ कि पेपर स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट होने के आधे घंटे के बाद इस बंदे अमित ने इसकी फ़ोटो खींची है और क्लिक करके किसी और को भेजी है, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी गई है। तो हमने इसको कल के लिए तो हमने उसको विद इन 7 मिनट्स हमारे हाथों में आ गया है, पर सुनने में ये भी आ रहा है मुझे कि ये पेपर 25 को भी हुआ है ऐसे, तो उसकी जाँच चल रही है अभी। इस मामले में पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन साथियों की तलाश में जुट गई है जिन्हें अमित पेपर की कॉपी लीक करता था। हमें ये सूचना मिली थी कॉलेज की तरफ से कि एक लड़के ने व्हाट्सएप पे दूसरे लड़के को क्वेश्चन पेपर भेजा है और क्वेश्चन पेपर भेज कर लीक किया, जो हमने इस पर रेड की, एक लड़का पकड़ा जा चुका है, दूसरे की तलाश जारी है और हम अभी साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं तथा इसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पहले भी ऐसा हुआ, एक बात। इसके द्वारा इसके अलावा और किस किस को फोन पर भेजा गया। पेपर लीक होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पुलिस और प्रशासन पेपर लीक के मामलों को रोकने में असफल है। पेपर लीक होने से होनहार परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। गोहाना से सुनील जिंदल, फोकस हरियाणा।